आज भी कोरोना से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में 2,57,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 4,194 लोगों की जान गई। अब तक 19,33,72,000 लोगों को लगी वैक्सीन की डोज। कोरोना पर मध्य प्रदेश से राहत भरी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, हालात पहले से बहुत बेहतर। कोरोना संक्रमण की दर 5% से नीचे आई। हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते हैं। हमें 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना है। देश के 15 राज्यों में फैला ब्लैक फंगस। अब तक 9,320 मामले सामने आए, 235 मौतें। 9 राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया। केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी बनाने का लाइसेंस दिया। विदेश से भी मंगाई जाएगी दवा। कोरोना संकट को लेकर सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन की कमी तो है ही, ब्लैक फंगस की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। दिल्ली में कोरोना टीके की भारी किल्लत। 368 में से 235 वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर बड़ी खबर। तीसरी डोज के ट्रायल को मिली मंजूरी। दिल्ली के एम्स में जल्द शुरू होगा ट्रायल। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा किनारे दफनाए गए शवों का ड्रोन वीडियो सामने आया। फाफामऊ और श्रृंगवेरपुरम घाट का कब्रिस्तान जैसा हाल। हर तरफ शव ही शव नजर आए। यूपी के उन्नाव में पुलिस वालों की पिटाई से सब्जी वाले की मौत का आरोप। भारी हंगामे के बाद एसपी ने 2 सिपाही और 1 होमगार्ड को सस्पेंड किया। केस दर्ज। कानपुर में शहर काजी ने सैकड़ों लोगों को जमा कर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। बैठक के बाद सड़कों पर घूमते दिखे लोग। कोरोना महामारी में दरभंगा मेडिकल कॉलेज का नर्क जैसा हाल। अस्पताल परिसर में भरा है पानी। हर तरफ कचरे का अंबार। दिल्ली में अब तक ब्लैक फंगस के 197 मरीज सामने आए। जम्मू में भी ब्लैक फंगस के पहले मामले की पुष्टि। 40 साल के मरीज का चल रहा है इलाज। यूपी में ब्लैक फंगस से अब तक 12 लोगों की मौत। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में 96 मरीजों का चल रहा है इलाज। योगी सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। यूपी के मेरठ में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 72 पर पहुंचा। अब तक 6 मरीजों की मौत। प्रशासन के मुताबिक संक्रमण की दवाई सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी ब्लैक फंगस का बढ़ा खतरा। जिले में अब तक 21 मामले सामने आए। ताजनगरी आगरा में कोरोना महामारी के बीच फैला ब्लैक फंगस। 4 संदिग्ध मरीजों के मिलने की खबर। जिला प्रशासन ने एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज की व्यवस्था की। एमपी के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा ब्लैक फंगस। बालाघाट में 2 मरीजों की मौत। 1 मरीज की जिला सरकारी अस्पताल और दूसरे की नागपुर के निजी अस्पताल में गई जान। ब्लैक फंगस को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। ब्लैक फंगस के मरीजों का चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त इलाज होगा। राज्य में अब तक करीब 700 मरीजों की पहचान हुई। राजस्थान के भरतपुर में ब्लैक फंगस के 6 मामले सामने आए। 5 मरीजों को जयपुर रेफर किया गया। जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बना। कर्नाटक के भी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का होगा मुफ्त में इलाज। राज्य सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक। संक्रमण दर 5% से नीचे आई। 1 अप्रैल के बाद पहली बार एक दिन में 3,009 नए मरीज सामने आए। 252 लोगों की मौत। यूपी के सभी गांवों को 1 महीने में 2-2 एम्बुलेंस देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा, ऐसे आदेश ना दें जिसका पालन संभव ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, निजी इस्तेमाल के लिए विदेशों से मंगाए गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर IGST लगाना गैर कानूनी। अभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाने पर 12% IGST देना होता है।
एबीपी न्यूज की खबर का असर, यूपी के पीलीभीत में वेंटिलेटर की गड़बड़ी और कोविड अस्पताल में लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद जिला अस्पताल के सीएमएस और कोविड अस्पताल के इंचार्ज सस्पेंड। गोवा में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने ताऊते तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख की सहायता का ऐलान किया। कर्नाटक में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा। कर्नाटक में इस समय महाराष्ट्र से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। आज से 18 से 45 साल के लोगों को लग रही है कोरोना की वैक्सीन। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी का कोरोना से निधन। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी खबरों की जबरदस्त रिपोर्टिंग को लेकर चर्चित रहे। मिले थे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस का अत्याचार। रात में दवा लेने जा रहे युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। युवक शिखर गुप्ता की आंख और हाथ में गंभीर चोट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एमपी में कोरोना प्रोटोकॉल का सत्ताधारी पार्टी के नेता ही उड़ा रहे हैं मखौल। खंडवा में मीडिया के दबाव में प्रशासन ने स्थानीय विधायक देवेंद्र वर्मा के रिश्तेदार के घर हो रहे शादी समारोह को रुकवाया, लेकिन कानूनी कार्रवाई से बचते दिखे अधिकारी। इंदौर में एक शादी के दौरान खाने की पंगत में बैठे सैकड़ों लोग, पुलिस पहुंची तो मची भगदड़। दूल्हे और उसके पिता को गिरफ्तार कर ले गई पुलिस। एमपी के निवाड़ी में डीएम आशीष भार्गव पर भड़की एक महिला। टीका लगवाने से मना करने पर लोगों को समझाने पहुंचे थे डीएम। नाराज हुए डीएम बोले, वैक्सीन तो तुम लोगों को लगवानी ही पड़ेगी। एमपी के चंदेरी में चालान काटकर गाड़ी की लाइट फोड़ना पड़ा पुलिस प्रशासन को महंगा। मौके पर पहुंची युवक की नाराज पत्नी ने जमकर काटा बवाल। चप्पल निकालकर एसडीएम को मारने दौड़े। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कोविड सेंटर के बाहर मास्क बांटने पहुंचे कांग्रेस के विधायक और कई नेता। उमड़ी भारी भीड़। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर था कार्यक्रम। बिहार के सुपौल में कोरोना मरीज की जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की गाली गलौज। बिहार में लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने में जुटी पुलिस। जहानाबाद में दिखा अनोखा तरीका। लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस ने सड़क पर ही करवाया एक्सरसाइज। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में कोरोना की आयुर्वेदिक दवा लेने उमड़े हजारों लोग, ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज शामिल। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई धज्जियां। एमपी के दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई पुरुषों और महिलाओं को पकड़ पकड़ कर वैक्सीन लगवा रही हैं। वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस का डबल रोल। कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों का चालान भी काट रही है और गरीबों के घर खाना भी पहुंचा रही है। एमपी के दमोह में शराब बेचने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। लॉकडाउन के बावजूद रेस्टोरेंट में शराब बेचने का आरोप। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में 100 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल की शुरुआत की। वोल्वो ग्रुप इंडिया के सेंटर में बनाया गया है हॉस्पिटल। झारखंड के टाटानगर से 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस बेंगलुरु पहुंची। बड़ी बात, ट्रेन की सभी 7 क्रू मेंबर महिला हैं। कोरोना की मार झेल चुके आगरा के लोगों ने शुरू की पेड़ लगाने की मुहिम। आगरावासी पीपल, गूलर जैसे पेड़ लगा रहे हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने वाइपर सिक्योरिटी देने का लिया फैसला। एयर इंडिया का सर्वर हैक। 45 लाख यात्रियों के क्रेडिट कार्ड समेत पर्सनल जानकारी चोरी। एयर इंडिया ने अपने डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पर फोड़ा ठीकरा। पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। दोबारा बातचीत शुरू करने की अपील की। कहा, सरकार हमारी मांगे माने और तीनों कृषि कानून रद्द करे। 26 मई को काला दिवस मनाने की तैयारी में किसान संगठन। 26 मई को किसान आंदोलन को 6 महीने हो रहे हैं पूरे। चक्रवाती तूफान ताऊते के बाद अभियास तूफान का खतरा। 26 मई की शाम बंगाल उड़ीसा के तट से टकरा सकता है तूफान। नए चक्रवाती तूफान यास से निपटने की बड़ी तैयारी। बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती शुरू। केंद्र ने 5 राज्यों को कोरोना मरीजों के लिए दवाई से लेकर इलाज के लिए इंतजाम करने का निर्देश दिया।
तटरक्षक बलों ने बंगाल की खाड़ी से मछुआरों और नाविकों को लौटने को कहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे में तूफान के और मजबूत होने की आशंका। मुंबई के पास समंदर में बार्ज P-305 हादसे में 7 और शव मिले। अब तक 57 लोगों की मौत की पुष्टि। बार्ज के कैप्टन राकेश वल्लव के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई समंदर हादसे को शिवसेना ने बताया नरसंहार। सामना में लिखा इस हादसे की जिम्मेदारी ताउते तूफान पर नहीं डाली जा सकती। तूफान का पूर्वानुमान होने के बावजूद जो सोए रहे वही अपराधी हैं। बार्ज P-305 जहाज डूबने के मामले में ONGC का मदद का ऐलान। मृतक कर्मचारियों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद देगी कंपनी। अफगान्स ने बार्ज P-305 हादसे में मारे गए कर्मचारियों के परिवार और बच्चों की मदद देने का भरोसा दिया। अगले 10 साल का वेतन, इंश्योरेंस और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने की बात कही। हिमाचल के कुल्लू में जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन टनल धंसने से 4 मजदूरों की मौत। प्रशासन ने शुरू की जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश से शारदा नदी में अचानक आई बाढ़। तटबंध के निर्माण में जुटे कई मजदूर पानी में फंसे। गांव वालों ने मिलकर बचाई जान। मुंबई के पास रेती मंदर खाड़ी में गिरी 28 साल की महिला। पुलिस के गोताखोरों ने बचाई जान। खुदकुशी के मकसद से खाड़ी में कूदने का शक। कोरोना काल में केंद्रीय श्रम मंत्रालय का बड़ा ऐलान। मजदूरों के लिए महंगाई भत्ता 105 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए महीने किया। 1.5 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा लाभ। एशिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन बने गौतम अडानी। इस साल 2,47,000 करोड़ रुपए बढ़ी संपत्ति। पहले नंबर पर रिलायंस के मुकेश अंबानी, टॉप 5 में बाकी 3 अमीर चीन के। देश के सबसे बड़े बैंक SBI का मुनाफा 80% बढ़ा। मार्च तिमाही में 6,451 करोड़ का फायदा हुआ। 4 साल बाद डिविडेंड का भी ऐलान किया। कोरोना के बीच बजाज ऑटो कंपनी ने दी ग्राहकों को राहत। देश भर में 31 जुलाई तक फ्री सर्विस और वारंटी की सीमा बढ़ाई। कई राज्यों में लॉकडाउन को देखते हुए फैसला। दुनिया भर में आईफोन 12 सीरीज की डिमांड बढ़ी। 2021 की पहली तिमाही में ग्लोबल रेवेन्यू पर 1/3 पर कब्जा किया। भारत में शुरुआती कीमत है 79,900 रुपए। राहुल द्रविड़ होंगे श्रीलंका दौरे में टीम इंडिया के कोच। जुलाई में श्रीलंका के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगा भारत। सुनील ग्रोवर की वेब सीरीज सनफ्लावर का टीजर रिलीज। मुंबई की मिडिल क्लास हाउस सोसाइटी की कहानी 11 जून से Z5 प्रीमियम पर देखने को मिलेगी। अगले महीने लॉन्च होगी अभिनेत्री नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो। नीना की निजी जिंदगी के अनसुने किस्से और दास्तान पढ़ने को मिलेंगे। कोरोना की वजह से फंस सकती है रणबीर कपूर और आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र। इस साल के बजाय अब अगले साल गर्मियों में हो सकती है रिलीज। ABP News आपको रखे आगे।